Namaste India. India Unbound is running successfully media house since last one decade. In India Unbound, we are covering all segments like politics, crime, sports, entertainment, travel, health and beauty. Also covering exclusive interview of bureaucrats, celebrities, businessmen and politicians. We are printing and publishing 1 lakh copies and circulating in all across India. India Unbound have also started tabloid Hindi weekly newspapers 3 years back. We are printing and publishing 60,000 copies circulating all over Maharashtra, Delhi, Lucknow and Patna. We have 25,000 bona fide subscribers in country and globe. We are gradually increasing by 20% annually. India Unbound is focusing to the youth societies and giving the platform for untapped potentials. Who is bringing changes in society in the public interest at large? In 2017, India Unbound also started India Unbound Excellency Award, an honor to heroes who is working for the positive changes in their respective fields and for our society for their recognition and uplifting to their morals. Let us come together, be a part for the positive changes. Welcome to an exclusive interview. Dr. Nagesh Waghmare, MD, cardiologist and surgeon, JJ Hospital. सर, इंडिया अनबाउंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्लीज टेल अस अबाउट योर स्कूल एंड कॉलेज डेज, वेयर यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप। माय नेटिव इज लातूर। आई बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट एंड आई डिड माय 12th अप टू 12th फ्रॉम लातूर ओनली। माय एमबीबीएस इज फ्रॉम दिस हॉस्पिटल दैट इज ग्रैंड मेडिकल कॉलेज। आई डिड माय एमडी इन जनरल मेडिसिन फ्रॉम केएम हॉस्पिटल परे। And after that, I pursued the cardiology training of 3 years DM course from Calcutta. Okay. Did you always wanted to become a cardio surgeon since your childhood? Yes. Since my childhood, I wanted to become a doctor. But after completing my MBBS study, I decided to do cardiology. Okay. What is the heart attack basically? Heart attack hota kyun hai? हार्ट अटैक मतलब हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जमा हो जाता है, वो प्रोग्रेसिव रहता है, जन्म से स्टार्ट होता है और एक स्टेज में आइडियली 70 साल की 75 साल की उम्र के बाद उसका बर्डन प्लाक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है जो ब्लड वेसल के डायमीटर को नैरो बना देता है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और उसमें अगर अचानक से रप्चर हो गया तो खून की गुठली जिसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं वो बन जाता है और आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से हार्ट की मसल में जो प्रॉब्लम होती है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ हार्ट इन अ ह्यूमन बॉडी? हार्ट बॉडी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी अवयव है, वही एकमात्र ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई पंपिंग करके बनाए रखता है। ब्लड सप्लाई जब होता है तो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हर एक सेल को मिलता है बॉडी के अंदर। अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो बॉडी 10-15 मिनट के अंदर डेड हो जाती है, इसीलिए हार्ट सबसे वाइटल ऑर्गन है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पेशेंट्स ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक? पेशेंट को जो सिम्टम्स जो लक्षण है उसके वो कॉमनली जो है चेस्ट पेन रहता है, सेंट्रल चेस्ट पेन रहता है, एकदम सेंटर में चेस्ट पेन, भारीपन महसूस होता है, उसका सिवियरिटी इतना रहता है कि पेशेंट को इसके पहले ऐसा पेन कभी महसूस नहीं हुआ होता है, ही फील्स दैट देयर इज समथिंग मेजर इज गोइंग टू हैपन। हर एक पेशेंट को उसकी वजह से डर लगने लगता है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है और साथ में स्वेटिंग होने लगती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, चक्कर आपके बहुत हो सकता है पेशेंट, और ये जो पेन है सेंटर का ये कभी कभी थ्रोट में भी हो सकता है रेडिएट या फिर लेफ्ट आर्म में वो रेडिएट होके जाने की संभावना है। अच्छा, और कुछ दूसरे भी सिम्टम्स? इसके अलावा जिसको हम एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो स्पेशली जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं या जिनको बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है
तो ऐसे पेशेंट्स में चेस्ट पेन की जगह में ब्रेथलेसनेस हो सकता है, या कन्फ्यूजन अचानक से चालू हो सकता है, या सिंको अचानक से विशुद्ध होना, ये इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। How many types of heart attack occur in a human body? Is there any types? Scientifically, we divide heart attack in 5 groups. Ultimately, what happens is blood supply is reduced to the heart vessels. Okay. So this may be because of hypotension, accident हो गया, blood loss हो गया. तो इसमें जो hypotension हो जाता है, उसकी वजह से भी heart attack आदमी को आ सकता है. तो 5 type के heart attack रहते हैं. उसमें कई बार ऑपरेशन के बाद हार्ट अटैक आता है, वो भी एक अलग टाइप का हार्ट अटैक है। बाईपास के बाद इस पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, वो अलग किस्म का है। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं किस वजह से हार्ट अटैक स्टार्ट हो रहा है, उस वजह के अनुसार हम 5 ग्रुप में उसको डिवाइड करते हैं। व्हाट आर द 5 मेजर सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक एंड नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन? जो मेजर हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज चेस्ट पेन, जैसे मैंने अभी बताया, बिकॉज अ सेंट्रल टाइप ऑफ चेस्ट पेन, इट मे बी स्क्वीजिंग टाइप और हेवीनेस और बर्डन ओवर द चेस्ट, एंड इट मे रेडिएट टू द थ्रोट, जॉ एंड टू द लेफ्ट आर्म, दैट इज वन। अनदर इज ब्रेथलेसनेस, पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। थर्ड इज प्रोफ्यूज स्वेटिंग। फोर्थ इज पल्पिटेशन, धड़कन महसूस होना। फिफ्थ इज सिंको, जिसमें बेहोश हो सकता है। तो इसमें से जो सिंको बेहोशी, तो इसमें से जो इनिशियल सिम्टम्स है, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, पल्पिटेशन, आप अगर एग्जर्ट करेगा पेशेंट उस अवस्था में, चलेगा फिरेगा या कुछ भी सामान उठा के काम करेगा, तो उसमें वो एग्रेवेट होता है, जो भी पेन का सिवियरिटी रहेगा इंक्रीज हो जाएगा। इट विल नॉट लेट द पर्सन वर्क फॉर एनी अमाउंट। व्हाट मेजर्स हार्ट पेशेंट्स रिक्वायर्ड टू डू व्हेन सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, खुद का डायग्नोसिस नहीं करना। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो कई बार लोग बोलते हैं गैस है, गैस की गोली खाते हैं, पेन किलर लेते हैं, 2-3 दिन उसमें नष्ट हो जाता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर यू सीक मेडिकल हेल्प, गेट एन ईसीजी डन, कंसल्ट विद अ फिजिशियन और अ कार्डियोलॉजिस्ट, एंड इफ द ईसीजी इज नॉर्मल एंड स्टिल द सिम्टम्स आर देयर, वी कैन डू फर्दर इवैल्यूएशन लाइक 2D इको एंड स्ट्रेस टेस्ट, दैट विल टेल एंड रिस्क कैटेगराइज द पेशेंट फॉर द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। What is angiography? Angiography में it is a diagnostic test, एक तपास है, जिसमें हम लोग blood vessel में contrast injection करके उसमें lumen कितना है, blood flow का status क्या है वो check करते हैं, और उसमें हमको block कितने हैं, कहाँ पे है, और उसका severity कितना है वो पता चल जाता है। So what is the difference between angioplasty and bypass surgery? एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। बाईपास जो है, जैसे बाईपास का मीनिंग ही रहता है, सिटी में जो बाईपास बन जाते हैं, क्योंकि कुछ रोड ब्लॉक हो गया तो हम लोग बाईपास लेते हैं, दूसरा रोड लेते हैं, और वो जो जहाँ ट्रैफिक जाम हुआ है उसके आगे में निकल जाता है, डाइवर्ट होता है। तो सेम ब्लड फ्लो डाइवर्जन जो होता है वो दूसरी नस यूज करके, जहाँ ब्लॉक हुआ है नस में उसके आगे वो नस जोड़ देते हैं, ताकि ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस डिस्टली चालू रहे, दैट इज बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी जो है वो पूरा एनेस्थेशिया में ओपन हार्ट सर्जरी रहती है, और उसके इंडिकेशन अलग रहते हैं। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, तीनों नसों में ब्लॉक है, मेन नस का ब्लॉक है, तो उसमें बाईपास का सर्जरी प्रिफरेबल रहता है, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट उसके बेहतर रहते हैं। और एंजियोप्लास्टी जो है वो बिल्कुल जैसे एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वैसे एंजियोप्लास्टी भी लोकल एनेस्थेशिया में करते हैं, यूजुअली जनरल एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं होती है। और उसमें हम लोग जो ब्लॉक रहता है उसके अंदर वायर डाल के, बलून और स्टेंट यूज करके उसको साइड में प्रेस करके ल्यूमेन को नॉर्मल बना देते हैं। ये दोनों में और एंजियोप्लास्टी हम प्रीफर करते हैं जब स्पेशली एक्यूट हार्ट अटैक है पेशेंट को, उस वक्त एक्यूट हार्ट अटैक जब आता है पेशेंट को, तो हम लोग तुरंत जाके उसको ब्लड क्लॉट निकाल के वहाँ स्टेंट डाल के फ्लो एस्टेब्लिश करते हैं, तो पेशेंट कम टाइम में वो ट्रीटमेंट मिलता है, तो बेहतर ट्रीटमेंट रहता है। या फिर जहाँ 1-2 ब्लॉक है, मिड सेगमेंट के ब्लॉक है, डायबिटीज नहीं है, तो एंजियोप्लास्टी प्रिफर कर सकते हैं, जिसमें इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलता है एज कम्पेयर टू बाईपास। व्हाट इज द परसेंटेज इन इंडिया ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट्स?
परसेंटेज 15 साल पहले कम था, लेकिन अभी बढ़ रहा है। अपना जो जीवन शैली है, अर्बनाइजेशन है, बढ़ रहा है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, ज़्यादा खाने में आता है, सैचुरेटेड शुगर्स आते हैं, तो उसकी वजह से इसका प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी फिलहाल जो परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है, द परसेंटेज वेरीज फॉर अर्बन एज वेल एज रूरल पॉपुलेशन। फॉर अर्बन इट इज़ अराउंड 14%, रूरल इट इज़ अराउंड 7%। रूरल इज स्टिल लेस, बट दे आर ऑल्सो कैचिंग अप इन द अर्बन। During an operation or bypass surgery, what is the risk factor to the patient? Patient का हम risk categorize करते हैं। हर एक patient की risk same नहीं होती है। Patient के अनुसार risk change होती है। So those patients who are elderly, so we calculate, look for some parameters and devise a score. We usually follow STS score or Euro score. If the scores are high, then the risk of open heart surgery anesthesia is very high. Usually it is below 5%. Nowadays in most of the centers it is below 2%. So out of 100 surgeries done, 1 to 2 patients may die perioperatively. That is the risk. And usually those patients who are very elderly, who are having renal kidney problems, who are having lung problems, whose ejection fraction is very low, those patients are at high risk for perioperative morbidity and mortality. How many bypass surgery you operated with your team? No. I do angioplasty. Angioplasty. Bypass is done by other people, CVTs, cardiothoracic surgery. How many angioplasty you did? In JJ Hospital, the whole team does around 4,000 cases per year, and in 2016, I did around 450 to 500 angioplasties and around 1,000 angioplasties here in this hospital, my personal number. What measures government need to take to control more heart patients in the country or in this stage? See, prevention is always better than cure. So government should. There are two things. One is increase the awareness about the risk factors and how to prevent a normal person from having the disease. That is important, awareness. And another is increase the infrastructure so that patient can get the treatment at the earliest stage, so that those patients who come in heart failure can be avoided. So early treatment will help the patient live healthy and long, and creating awareness to prevent the disease is the long term solution. Can children also get affected with heart attack, heart diseases? Children are commonly affected by anomalies, developmental anomalies. By birth, while development of the heart as an organ during the time in the uterus, in mother's womb, the baby may develop congenital heart diseases that we call, and the heart is not developed normally. There may be some holes remaining or some abnormal blood vessels will be there. Great vessels will be abnormal, although there may be problem in the walls. So this is called congenital heart diseases. They suffer commonly from this group of diseases. And these disorders we can detect now during the fetal life by doing the fetal echo, and we can be prepared after the birth. Being a cardiologist and surgeon, what is your expectation from Maharashtra government and government of India for cardio department? JJ. So government is doing their part good, but what we need is we need long-term policies in the form the infrastructure should be increased and it should be available now at each and every district. Okay. And being super specialist, you cannot remain attached to one hospital. So doctors should be allowed to work in more than one hospital. It may be government hospitals or it may be combination of trust, government or private hospitals. So that our time can also be utilized and maximum different categories of patient can also get the attention of cardiologists. What is the latest research and surgery worldwide for heart patients? Worldwide? Latest technology are catching my heart attack. See, latest technology, now the stents are there on shelf for last around 20 years. Okay.
what new has come is newer versions of the stent with better technology, better quality of the stent material and drug, which will have better outcomes, optimal results and less complications in future once we do angioplasty. In addition to that, there is a newer things like imaging. Now we have OCT, optical coherence tomography, OCT. OCT will tell us about the vessel status inside the vessel, what is happening. So that it will tell us exactly what is the length of the block, what the block is made up of, what is the diameter of the blood vessel, so that better dimensions of the stent can be selected, and that will be good to avoid complications as well as reduce the future occurrence of problems again. JJ is a Maharashtra government known hospital. How you feel working with JJ group, JJ institution? Yes, sir. JJ group of hospital, I feel very proud to be associated with this hospital because it is one of the high volume center and we cater to poorest of poor people and they get best quality treatment in the form of stents and also they get timely treatment. There is never a patient who gets appointment maybe 1 month after or like that. We do it as early as possible. So our motto is timely treatment and best quality treatment. So I feel very good to be working in JJ Hospital because we can address to poorest of poor patients who are refused or who are not able to afford the treatment from private sector. Sir, what is your wish to be fulfilled? So my wish is to increase this department further, expand the treatment. So we want to increase our work in congenital heart diseases so that another pediatric cardiology department can be established under the auspices of the present department. And we want to increase the electrophysiology work also. So considering the future, we will need more beds, we will need more sanctioned staffs and paramedical employees to look after the patient. And obviously we will need expansion of the cath lab also. What is your future aspiration? My future aspiration is to keep serving the patients more and more. So hopefully God gives me strength to be in service for longer duration. Who is your role model? See, role model is... And in your segment, in doctor segment, who are you? My role model is Dr. T.P. Lan. Because I am seeing him for last around 15 years, 17 years. He is continuously working for 18 to 20 hours a day, untiringly, and doing his maximum for the society. How you spend your leisure time, if find some? I spend my time with my family, my daughter, and in reading and doing exercise also. Which sport do you like? So, in sport, I am not doing for last many years, but during my college days, I used to play volleyball. What suggestions and advice you would like to give to the students who want to become IMD cardiologist? See, those who want to be doctors, they are prioritizing life to serve the patient. They should never prioritize earning money, because earning money means you should be in another business or a different kind of profession. Here, what matters is quality service and sympathy towards the ailing patient. So that attitude and virtues should be cultivated before you become doctor and start treating patients. One last question. What precautions we need to take to be safe from heart diseases? Yes. It is very easy to avoid the heart diseases nowadays. You have to screen for the risk factors. Like you should check the blood pressure regularly, maybe once in 6 months if it is normal. Then you should keep checking the blood sugars once in 2 to 3 years. Look for the lipid profile, what it is. If any abnormalities there, you start diet modification and exercises. Otherwise also, you need to do regular exercises. There should be no excuse for avoiding the exercises. At least 30 minutes to 1 hour of daily activity will help you stay away from the heart disease. And diet should be limited amount of calories. Good amount of fiber should be there in the diet in the form of vegetables and fruits. What message would you like to give to the Mumbaikar? Yeah, the Mumbaikar are the busiest people in the country. Whatever busy schedule they have, they should see that they are exercising for at least 30 minutes to 60 minutes every day. And they should stay away from smoking and unhealthy diet.
Thank you very much. Thank you very much, sir, Dr. Saab. India Unbound, this is your great success. May God bless you a long life. Once again, thanks a lot. Please subscribe India Unbound channel for watching latest interviews of celebrities, administrative officers and businessmen. We welcome your valuable suggestions and opinions. Please like and share our videos. Visit us. And do write us. Follow us on social media. If you have any queries and want to advertise with India Unbound Media, please call or WhatsApp us on